ये लैपटॉप 40,000 का है बट वैल्यू एक 60,000 वाले लैपटॉप की है। नाम है एसर एस्पायर लाइट। इसके अंदर वाले लैपटॉप को मैं पिछले एक महीने से टेस्ट कर रहा हूँ एंड आई एम रेडी नाउ। इस लैपटॉप के प्रोज कॉन्स एक्सपर्ट ओपिनियन तुम्हें सब मिलेगा यहाँ पर एंड दिस इज अ ग्रेट लैपटॉप। अब शुरू करते हैं इसकी फर्जी अनबॉक्सिंग, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ बट तुम लोगों के लिए मैंने फिर से इसको पैक कर दिया था। तो देखो, यहाँ पर जाओगे तो तुम्हें इसका चार्जर मिल जाएगा, यहाँ पर तुम्हें एक क्लॉथ मिल जाएगा, एक मैनुअल है, यहाँ पर सीडी भी है ड्राइवर्स के लिए, और अगर तुम्हें एचडीडी इसमें ऐड करनी है तो उसके लिए स्क्रूज पहले से मिल रहे हैं। तो ये रहा तुम्हारा लैपटॉप एंड स्क्रीन प्रोटेक्शन कार्ड। अब डिटेल में जाने से पहले एक बार तुम्हें इस लैपटॉप की स्पेक्स बता देता हूँ, क्योंकि जिस प्राइस पे आ रहा है और इसकी स्पेक्स इज आउटस्टैंडिंग। तो i5 12th Gen 1235U का प्रोसेसर है इसमें, जो कि 10 कोर और 12 थ्रेड्स के साथ आता है, यानी कि इसमें गेमिंग प्रोसेसर नहीं है। तो 12500X से अगर तुम कंपेयर करोगे तो हल्का सा स्लो मिलेगा ये, बट ये वाला प्रोसेसर बैटरी लाइफ के लिए फेमस है तो वहां पे तुम्हें फायदा मिल जाएगा। बाकी 8GB की DDR4 RAM है, 3200 MHz की, वही 512GB की SSD एंड वही साथ में Intel UHD का ग्राफिक्स। फिर अगर बात करें यार इसकी बिल्ड की, तो दिस लुक्स अ वेरी प्रीमियम लैपटॉप, ठीक है, सिल्वर फिनिश के साथ आता है एंड बिल्कुल भी सस्ता तुम इसको देख के नहीं बोलोगे। अब इशू बता ही रहा हूँ तो तुम भी नोट कर लो, इस लैपटॉप को तुम एक हाथ से तो नहीं खोल सकते हो, तो वो एक फ्लॉ या फिर फीचर मिसिंग है। बट एक चीज अच्छी जो एसर ने करी है वो है दिस इज अ 180° लैपटॉप। मस्त, ये बहुत बढ़िया चीज है। और इसका फायदा तुम्हें सबसे ज्यादा तब होगा जब तुम रात को मूवीज देखोगे ना और लैपटॉप पेट पे रख के देखोगे। बाकी घबराओ मत, इसकी हिंज काफी स्टेबल है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई इसके हिंज के काम में। फिर लैपटॉप अगर तुम खोल रहे हो तो इसका कीबोर्ड इज वेरी इंप्रेसिव। अब अगर बात करें इसके कीबोर्ड की, तो भाई बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है एंड ट्रस्ट मी, नाइट्रो वाला डिजाइन एस्पायर लाइट में मिलना शुरू हो गया आजकल, बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी देखो ये जो ब्लैक एक्सेंट के साथ व्हाइट बैकग्राउंड आ रहे हैं ना, सुपर लुकिंग। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, वो है इसका ट्रैक पैड थोड़ा सा कम क्लिकी है, मतलब यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी गई है, वो दिख रहा है, फील हो रहा है मतलब इजीली। तो यार कुछ ऐसी साउंड क्वालिटी और कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी मिलेगी जब भी तुम इससे वीडियो कॉलिंग करोगे, मेरे हिसाब से काफी डिसेंट है फॉर द प्राइस, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, कलर सैचुरेशन और सारी चीजें अच्छी। वैसे 720p का कैमरा है, थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता था बट वैसे इट्स ओके। अब बात करें पोर्ट्स की, तो इस लैपटॉप पे बहुत सारे पोर्ट है, इनफैक्ट सारे पोर्ट्स हैं भरे हुए हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा कैंसिंगटन का लॉक मिल जाएगा, लैन केबल है, माइक्रो एसडी कार्ड रीडर, 2 पोर्ट तुम्हें दे रखे हैं और साथ में हेडफोन जैक, और यहाँ पर भी पोर्ट ही पोर्ट, पावर, HDMI, USB-A, Type-C, मतलब सारे के सारे पोर्ट्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। अब हर लैपटॉप की तरह इसमें भी हम सिलिबेंच टेस्ट करेंगे, जिसका काम है ये देखना कि तुम्हारा CPU कितना पावरफुल है। तो यहाँ पर सिनेबेंच सिंगल कोर में स्कोर है 1192 और मल्टी कोर में स्कोर है 4374। इसके अलावा हमने इसमें PCMark 10 भी ट्राई करा और उसका स्कोर है 4223, जो कि काफी डिसेंट है परफॉर्मेंस के हिसाब से। बट असली मजा तो भाई इसके डिस्प्ले में है, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है ये, 45% NTSC के साथ आता है एंड वैल्यू फॉर मनी है, sRGB और ये सारी चीजें भाई इस प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्ट मत करना, कोई ब्रांड नहीं देता तो यहाँ पर भी तुम्हें वो देखने को नहीं मिलेगा, बट कलर्स और वैसे काफी डिसेंट डिस्प्ले तो यहाँ पे देखने को इजीली मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है तुम्हारे नॉर्मल डे टू डे टास्क, क्रोम ब्राउजिंग, इंटरनेट, स्टॉक्स, ये सारे के सारे काम अच्छे से कर देगा। बट रही बात गेमिंग की, तो भाई देखो इसमें गेमिंग का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं आता, क्योंकि उस तरीके से बनाया भी नहीं गया लैपटॉप। तो कोई नहीं, हम तुम्हारे लिए फिर भी इसमें GTA 5 चला के देखेंगे, कभी तुम्हें मन कर गया तो क्या सीन है। तो इसके लिए मैंने इसमें देखो प्रॉपर GTA 5 डाल लिया है। तो देखो यहाँ पर इसको हम 800x600 के रेजोल्यूशन पे चला रहे हैं, 60Hz हमने यहाँ कर रखे हैं, और सेटिंग्स की बात करें तो भाई बहुत ही डिसेंट नॉर्मल सेटिंग्स पर हम इसको चला रहे हैं। तो जैसा कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो भाई 30-31 FPS तक आराम से तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टेम्परेचर भी काफी कंट्रोल में है, 66 के आसपास ही रिवॉल्व कर रहा है, 70 के अंदर अंदर चल रहा है, जो कि देखने में काफी सही यहाँ पर तुम्हें लग रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छा गेम प्ले तुम्हें देखने को मिल जाएगा, बट यार FPS कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है तो उस चीज का ध्यान रखना, तुम्हें मतलब काम करवा देगा, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गेमिंग लैपटॉप देन गो फॉर अ गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि ये लैपटॉप ज्यादा अच्छे से गेम नहीं खेलवा पाएगा तुमको, तो ध्यान रखना, क्योंकि ये गेम के लिए बना भी नहीं हुआ उस तरीके से। बट हाँ, GTA 5 ये चला देगा लो सेटिंग पे। अब
देखो गेमिंग तो ठीक है बट ज्यादातर लोग मूवी शूवी के लिए यूज करेंगे इसको, तो भाई साउंड क्वालिटी बतानी जरूरी है। साउंड क्वालिटी इज डिसेंट फॉर दिस लैपटॉप। एक बार डेसिबल काउंट तुम देखो और बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। तो अच्छी मूवी देखने के लिए यू नीड अ गुड वाईफाई, और यहाँ पे तुम्हें वाईफाई 6 मिल रहा है, 6E नहीं। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट करते हैं तो भाई देख रहे हो 300 Mbps आराम से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अपलोड भी एक बार देख लेते हैं तो अपलोड भी इजीली 100-200 Mbps क्रॉस कर रहा है। और जो ये लिमिट आई है ना मेरे ISP से आई है, ये एक्चुअली में स्पीड नहीं है, तुम्हें हमेशा इससे ज़्यादा ही स्पीड मिलेगी, बट मैंने इसको टेस्ट करा तो यहाँ पर। और रही बात बैटरी की, तो देखो भाई 45 Wh की बैटरी है जो कि काफी डिसेंट है साइज के मुकाबले। और अगर बैकअप की बात करो तो 5-6 घंटे का बैकअप तुम्हें आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाए। अब बात करें वारंटी की, तो 1 साल की ऑन साइट डोमेस्टिक और साथ ही में इंस्टॉल इंटरनेशनल वारंटी भी मिलती है, यानी कि इंडिया में कहीं पर भी खराब होगा घर आके ठीक कर देंगे, वर्ल्ड में कहीं पर भी खराब होगा इनके स्टोर जाना और वहां पर जाकर इसको ठीक करवा लेना। फिर वारंटी से अगर तुम लोग सेटिस्फाइड हो तो यार यहाँ पे विंडोज 11 तुम्हें बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती है, बट एमएस ऑफिस नहीं दे रहे हैं ये लोग, तो ध्यान रखना इस चीज का। और अगर तुम्हें एमएस ऑफिस चाहिए तो काफी सारे तरीके उसको लेने के, तो घबराना मत, ठीक है। बाकी लैपटॉप की अपग्रेडेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इस लैपटॉप में तुम्हें HDD का स्लॉट मिलता है, यानी कि सस्ते में स्टोरेज बढ़वा सकते हो उसकी, और साथ ही में 32 GB तक की रैम एक्सपेंडेबल है, तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेंडेबिलिटी ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जिन लोगों को अभी भी डाउट हो रहा है कि भाई ये कैसा लैपटॉप है, किस तरीके के लोगों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, तो देखो घर में बच्चों के लिए चाहिए है ना, या फिर शॉप में रखने के लिए, या फिर छोटे मोटे कामों के लिए, अगर तुम्हें एक लैपटॉप डिसेंट अपग्रेडेबिलिटी के साथ लाइफ लॉन्ग चाहिए तुम्हें, तो इस लैपटॉप को तुम कंसिडर कर सकते हो। अगर तुम लोग हार्डकोर गेमर हो, परफॉर्मेंस टास्क, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो या फिर ऑटो कैड, स्काला, ये सब चीजें तुम्हें यूज करनी है, तो भाई इस लैपटॉप को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। और अगर तुम थोड़े से प्राइस सेंसिटिव हो तो भाई ये लैपटॉप तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बाकी इस लैपटॉप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और कोई डाउट रह गया हो दिमाग में थोड़ा सा भी, तो नीचे कमेंट में आके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।